गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बॉम फैमिली इन बिहार। आप सब कैसे हैं? हम लोग बढ़िया है। और आज है सैटरडे और आज मिस्टर राधिक का छुट्टी है और हम लोग का फीस जो है वो स्टॉक पूरा ख़त्म हो चुका है। तो चलिए मार्केट में क्या क्या फीस मिलता है वही देखते हैं। और इस ब्लॉग को एंड तक देखते रहिएगा, बने रहिएगा ब्लॉग में और वीडियो को यहीं से शुरू कर। आपका हो गया? हो गया। ये देखिए मिस्टर राधिक। सो फ्रेंड्स, मैं अभी नीचे आ चुकी हूँ और मिस्टर आदर के साथ जाऊँगी अभी मार्केट। और धूप बहुत कड़क निकल आया है और तो चलिए मार्केट की तरफ बढ़ते हैं। चाहे मैं रहूँ जहाँ मैं चाहे तू ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। चाहे ये जमीन आसमां रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। तो गाना गाते हुए आ गए हैं अभी सब्जी शॉप पे, क्योंकि आलू लेना था पूरे वीक के लिए। तो आलू यहाँ पे बढ़िया मिल रहा था तो ले लिया। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं अभी फिश मार्केट पे और फिश शॉप पे भी आ गए हैं। और यहाँ पे बढ़िया से मछली रखा जाता है और हम लोग ले लिए हैं कतला फिश और रोहू फिश। और कड़कती धूप में जलती हुई मैं और मिस्टर राधिक देख रहे हैं बढ़िया से मछली का साफ़ सफाई चल रहा है कि नहीं, और पीस भी बढ़िया से बनाना है, नहीं तो ये लोग बहुत पतला सा पीस कर देते हैं जो हम लोग को पसंद नहीं आता है। और यहाँ पे मछली भी खरीद रहे हैं सब लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोगों का मछली लेना अभी हो चुका है, अभी घर के तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही लेट हो जाएगा नहीं तो खाना बनाते हैं और यहाँ पे हम दोनों। तो चलिए अभी घर पे मिलते हैं। तो घर अभी पहुँच गए हैं और इतना दौड़ दौड़ के मैं सीढ़ी से ऊपर चढ़ती हूँ, पूरा मेरा साँस खुलने लग गया था। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर में। वो रहा मिस्टर राधिक। कौन है पापा? मेरा घंटुआ। घंटुआ टास्क हो गया। थोड़ा सा बाकी है। सभी घर आ चुके हैं मार्केट से और अभी ढेर सारा काम है। गुगुन चलो बाकी का टास्क कर लो। गुगुन को टास्क दिए थे, थोड़ा थोड़ा कर लिया है, अभी और एक चैप्टर बाकी है, उसका मैथ एग्जाम है। चलो बाबू कर लो। मौसम एकदम खराब है। हम लोग मार्केट पे थे, इतना धूप था पूरा स्किन ही जल गया, इतना धूप था ज्यादा। तो चलिए फटाफट अभी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद काम करना चालू कर देते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। सो मैं घर में आके यहाँ पे चावल मैंने चढ़ा दिया है। चावल अभी लगभग हो चुका है और यहाँ पे सारा का सारा जो फिश 1 वीक के लिए वो मैंने वॉश कर लिया है। और यहाँ पे कंटेनर पे मैं डेली बेसिस पे जितना लगेगा वो मैं स्टोर करके रख दूंगी। Thank you.
4 कंटेनर हुआ है। सो अभी मैं ये फिश हेड को फ्राई कर लूँगी और ये सारे जो मछली है थोड़ा सा मैं नमक देके मैरिनेट करके रख दिया है और इसका मैं एक रेसिपी बनाऊँगी जो यूनिक रेसिपी है, इसे बिना फ्राई करके बनाऊँगी। तो यही रेसिपी मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनाना। फ्रेंड्स, आज मैं एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि मेरे मम्मी की रेसिपी है। तो चलिए कैसे बनाते हैं वो फटाफट देख लेते हैं। ये जो कतला फिश का हम लोग पेटी बोलते हैं, तो इसका मैं भापा बनाऊंगी बिना फ्राई किया हुआ, तो आप लोगों के साथ। मैं सरसों का पेस्ट बनाऊंगी। यहाँ पे एक टिप्स देती हूँ, अगर सरसों का पेस्ट आपको मिक्सी में बनाना है तो सूखा एकदम इसे पाउडर बना लूँगी पहले, और उसके बाद इसके साथ जो जो मैं पेस्ट करूँगी उसको ऐड करके पानी देकर फिर पेस्ट बना लूँगी। बहुत ही बढ़िया पाउडर बन चुका है और इसके साथ मैं अभी ऐड करूँगी अदरक और सूखा मिर्च, फिर पानी डाल के मैं पेस्ट बना लूँ। पेस्ट बन चुका है, अभी रेसिपी को देखते हैं। यहाँ पे मैंने सरसों का पेस्ट बना लिया है, इसमें थोड़ा सा अदरक है और सूखा मिर्च दे दिया है। बेसिकली ये कच्चा मिर्च से बनता है, लेकिन कच्चा मिर्च उतना भी तीखा नहीं था। सो यहाँ पे मैंने अनियन को चॉप कर लिया है और यहाँ पे टमाटर और ग्रीन चिल्ली और धनिया पत्ता, ये ऑप्शनल है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे दिखाया था सरसों का पेस्ट, वैसे मैंने बना लिया है। और यहाँ पे फिश को मैंने पहले से ही नमक दे के मैरिनेट करके रख दिया है ताकि उसके अंदर थोड़ा सा नमक चला जाए। और ऐसे एक टिफ़िन बॉक्स लीजिएगा, ऐसे ढक्कन रहेगा, इसमें लीड रहेगा। अभी चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो पहले मैं सारा का सारा यहाँ पे जो चॉप किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे ले लिया, और सरसों का पेस्ट जितना लगेगा उतना ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ अनियन, टमाटर और जो मास्टर जो पेस्ट था उसको ले लिया है, और धनिया पत्ता भी ले लिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और ऐसे 2-4 दाना चीनी भी डालूँगी। और यहाँ पे मैं जो ऑयल है वो डाल के इसे मैं अभी ऐसे मिक्स कर लूँगी। अभी एक एक करके इसको भी डाल दूँगी। ये अभी मैंने मैरिनेट कर लिया है और ऊपर से मैं थोड़ा सा जो कच्चा मिर्च है उसे भी ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा बस। अभी इसे स्टीम करूंगी ढक्कन लगा के। मैंने यहाँ पे इस तरीके से ले लिया है पानी, और इसके ऊपर अब लीड लगा दूंगी। इसे ढक्कन से ढक दूंगी, ढक्कन भी लगा दिया है, अभी ये स्टीम होगा। सो लाल साग का भी भाजा बनाऊंगी, लाल साग को फ्राई करूंगी, वो भी मूंगफली के साथ। तो फटाफट कर लेती हूँ। यो, बहुत सुंदर। इधर आओ, इधर आओ, चक्का निकल गया। देखो देखो, ये भावे देखो, सुंदर करे देखो, चाकाटा पड़ो। हाँ, उतना स्पीड से आएगा गाड़ी तो व्हील तो खुल ही जाएगा। हाँ। रुको, अच्छा रुको रुको रुको, ये ऐसे करो। हाँ, तब ये ट्रक है। हाँ, ट्रक, ट्रक है। बहुत अच्छा है। हाँ। हाँ। जो भापा जो कतला फिश करी है वो दिखाते हैं। वाओ, ये बहुत ही यम्मी टेस्टी बना है। इसका लुक ऐसा है,
सो गाइस नहाना हो चुका है सबका और खाना भी बन चुका है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज मेनू में क्या क्या है। सो यहाँ पे हम लोग का आज मेनू है लाल साग फ्राई है, वो भी मूंगफली देके। यहाँ पे आलू फ्राई, मछली फ्राई, सलाद है और मिस्टर आधा के साथ में। और हम लोगों का ये है आज का सोस टॉपर, भापा कतला फिश करी, और इसका रेसिपी भी मैंने शेयर किया है। और बुबुन है, बुबुन का भी थाली लग चुका है, है ना। तो चलिएगा फटाफट खाना खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ मिलते हैं। आफ्टर लंच एक पावर नैप लेने के बाद अभी बज रहा है शाम का 6 और अभी बुबुन को लग गया है जबरदस्त भूख। तो ये है वैनिला पेस्ट जो कि वो खा रहा था। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो अभी मैं चाय बनाने आ गई हूँ क्योंकि चाय पीनी है। अभी फटाफट से एक कड़क वाली चाय बना लेते हैं। शाम में जो चाय बनता है वो मिस्टर आधा घर पे रहते हैं तब भी बनाते हैं, और अकेले जब घर पे रहती हूँ, मिस्टर आधा ऑफिस में रहते हैं, तब बहुत मन करता है तो बनाती हूँ। और मेरा चाय अभी बन गया है। सो फ्रेंड्स, आज डिनर में बनाए हैं घुगनी, और यहाँ पे है खीरा, और हम लोग का फेवरेट है मूढ़ी। आज रात में हम लोग डिनर मूढ़ी से ही करेंगे। और यहाँ पे है अनियन जो मिस्टर आदक का बहुत ही पसंदीदा है। हाँ, मूढ़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है। घुगनी और मूढ़ी का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। सुबह हम लोग सोचे थे खाएंगे लेकिन बहुत लेट हो गया था हम लोगों को, तो दूसरा नाश्ता कर लिए थे। और यहाँ पे बुबुन भी आ गया है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगेगा आप लोगों को तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो गुड नाइट।